वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? ओके, तो आज का जो प्लान है, हम लोग सब पाकिस्तानी भाई मिलके दुबई से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और एसोसिएशन इन फॉर दुबई, दे कॉल इट पैड, बेसिकली दे कॉल इट पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में। वहाँ पे जाके हम लोग डॉक्टर साहब से मिलेंगे और उन लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए दुबई में, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे उनसे सुनेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं सब लोग। ठीक है, अभी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग अभी जो नई फैसिलिटी बनाई है इन्होंने, और मेरे साथ हैं यहाँ पे काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। हम लोग को बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। एंड काशिफ साहब मज़ीद इस ऑडिटोरियम के बारे में और इस फैसिलिटी के बारे में बताएंगे हमें। सो ठीक सर, ये जो प्रेमिसेस है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की प्रेमिसेस है। और ये जो बिल्डिंग आप इस तरफ देख रहे हैं, ज़रा बिल्डिंग की तरफ करिएगा, ये बिल्डिंग जो है पाकिस्तान ऑडिटोरियम के नाम से है। यहाँ पर सोशल कल्चरल इवेंट्स हैं, डिफरेंट इंडोर गेम्स हैं, इंक्लूडिंग टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो 1000 के करीब लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जितनी भी लार्ज हमारी नेशनल डेज की जो एग्जाम होते हैं, 23rd मार्च को या 14th ऑफ अगस्त को, वो यहाँ पर हम करते हैं। और इसके साथ ही आप उसके बाद में देखेंगे तो ये आपको स्पोर्ट्स पिचेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो यूथ जो है वो अपने डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स में क्रिकेट है, फाइव साइड फुटबॉल है, ये सब गेम्स होते हैं। और ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का एक नया प्रोजेक्ट, पाकिस्तान मेडिकल सेंटर एंड पाकिस्तान सेंटर के नाम से। इसके अंदर जो है वो एज ए सेंटर फॉर द कम्युनिटी, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इंक्लूडिंग जिम, इंक्लूडिंग हेल्थ फैसिलिटी ने पाकिस्तान मेडिकल सेंटर। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मीटिंग रूम्स हैं कल्चर को बूम करने के लिए, हमने कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिलियर्ड गेम्स की फैसिलिटी मौजूद है। तो आइए आपको बिल्डिंग के अंदर से दिखाते हैं। हेलो, थैंक यू। वेलफेयर ऑफिस और पीछे आपका अकाउंट्स का ऑफिस। असद भाई कैसे हैं आप? हमारे ऑफिस स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ भी नहीं बैठते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? असद खान साहब हैं, देखते हैं ऑफिस का, इतना मैं इंट्रोडक्शन करा सकता। हाँ जी, बोर्ड मीटिंग भी खवातीन की नमाज पढ़ने की जगह है जी। और माशाल्लाह काफ़ी
मेहनत हुई है। ये जो नीलू खाना है मज़े की जगह सही है। ये प्रेयर रूम है, प्रेयर हॉल। ये जो बिल्डिंग है पाकिस्तान बोलते हैं। पीछे जो बिल्डिंग है आपको नजर आ रही है वो पाकिस्तान ऑडिटोरियम की है। दीज आर द पिचेस फॉर यंगस्टर्स टू प्ले डिफरेंट गेम्स। बैक साइड एंट्री वी हैव अ कैफे ऑन आवर राइट हैंड साइड। और यहाँ पर एक पीसफुल सी बैठने की जगह बनाई है, लोग यहाँ पे बैठ के गपशप कर सकते हैं। वी कॉल दिस कैफे एज अ ब्रिक कैफे बिकॉज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन बिल्डिंग द होल प्रोजेक्ट इज ऑन अ ब्रिक एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नेम दिस कैफे एज अ ब्रिक कैफे। पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे PMC है, पाकिस्तान मेडिकल सेंटर, जहाँ हम बिल्डिंग विजिट करेंगे जी। और आपको मैं लेफ्ट हैंड साइड से विजिट शुरू करवाता हूँ। जैसे कि आपके नाम से मालूम चल रहा है मजलिस है, ये लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ पर लोकल कल्चर को और वैज्ञानिक कल्चर को प्रमोट किया गया है। दिस इज मजलिस, सो व्हेन यू बाइकर्स आर टायर्ड यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट अगेन। हाँ ठीक है, बाइकर्स के टेस्ट के मुताबिक शायद ना, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये रेस्टोरेंट हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं जो पाकिस्तानी और एशियन कुजीन्स है। Okay, we are back. This facility, this is for the natural lights. Okay, we are back. This facility, this is for the natural lights. This is made like this purposely, which can help us to reduce the energy. Very environment friendly. हमारे पास आर्ट कॉर्नर है जहाँ पर हमारे जो आर्टिस्ट हैं यूएई बेस्ड, हम उनकी पेंटिंग्स वगैरह पे यहाँ पर करते हैं। बिल्डिंग का ये ऊपर वाला हिस्सा है राइट साइड। नाउ वी आर गोइंग टू पाकिस्तान मेडिकल सेंटर। यस, सो दिस इज द वॉल बेसिकली फॉर अवर डोनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट। So let us know about the project also, like I mean what it based on. Okay, this medical center is primarily based on the welfare vision, where we would like to treat all the patients from all different communities to come here, and if they cannot afford, we will provide them the free medical facility. So this is open for everyone? Open for everyone. This is a kind of a gift from Pakistani community to all the communities. Nice. So, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये ट्रीट का क्लिनिक है। आई थिंक ये पहली ऐसी फैसिलिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पाकिस्तानी एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है। नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तानी एसोसिएशन, इनफैक्ट थ्रूआउट द जीसीसी, थ्रू आउट द जीसीसी, नाइस। वेरी हेल्थ सेक्टर इज वेरी मच कमर्शलाइज नाउ। देयर इज नो हॉस्पिटल और द क्लिनिक रन विदाउट इंश्योरेंस, राइट, एंड देयर इज नो फ्री एलिमेंट इनटू इट except few areas where the government basically itself has. All right. So from the community, it is one of the kind throughout the GCC. Okay. So ये हमारे पास gynae clinic है यहाँ पर। Nice. और यहाँ पर जो है हमारे पास peds clinic है। The waiting area, what this is the medicine clinic, the clinic. This is the gastro clinic. Another specialty. I'll be putting the name underneath with the people who contributed towards this particular specialty and the setup. This is the ENT with the equipments inside. ये स्ट्रेस टेस्ट सेंटर है। खासतौर पर जो आज हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई टू कैटर द कोविड इश्यूज, कोविड रिलेटेड स्ट्रेस इश्यूज।
ये हमारे पास कार्डियो क्लिनिक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रीटमेंट रूम्स, ये हमारे पास फीमेल वेटिंग एरिया है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एज वेल, एक क्लिनिक ही हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। हम आपका जो है वो ट्रीटमेंट रूम देखना चाहते हैं। थैंक यू। काशिफ साहब, हमें बताइए कि ये इसको फंड कहाँ से हो रहे हैं या कौन कर रहा है या इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपैट्स लिविंग इन यूएई। ऑलराइट। हम सब पाकिस्तानी हैं और बट इट इज़ नॉट फंडेड बाय एनी गवर्नमेंट, लाइक नॉट फंडेड बाय द यूएई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वी डोंट हैव डायरेक्ट लिंक, बट दे ऑलवेज फैसिलिटेट अस इन अवर गुड डीड्स। जो भी हम काम करते हैं उसमें पाकिस्तानी कॉन्सुलेट भी बढ़ के आती है और यूएई गवर्नमेंट का भी हमेशा से कॉपरेशन इसके अंदर रहता है। ये डॉक्टर्स लाउंज है, covered by their insurance. Okay. We can do the billings, and those who are not covered and they are into financial need, we cover their billing through our welfare. Right. And we have the welfare office right next door. So if any patient is struggling with any payments, right, and not fully covered with the insurance, partially or not at all, they can be covered through our welfare fund. This room. So this is our youth think tank room. कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर जो हमारी यूथ है वो अपनी से ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है एंड दे प्रमोट दी एंटरप्रेन्योर स्किल्स, न्यू आइडियाज एक्सेट्रा। आई थिंक वन ऑफ यू कैन बेटर एक्सप्लेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्लेस। Create a community and culture around entrepreneurship, innovation, creativity in that sense, and then really just give our youth the resources, especially when it comes to workshops or skills needed for entrepreneurship, entrepreneurs or just starting your own business or initiative even. So it's really focused on bringing the youth to that stage, to that level where they can be confident in their ideas and create something productive out of it. So this space is also designed in a very similar, to support the similar vision of Hub 47, and this is not how we designed the space, we'll tell you more about it. The team of bikers, I would say a team which think outside, out of the box, and I believe this is one of the area where also you can mobilize the thought process of your youth, like how other people find a different ways of living and enjoying and getting relaxed. It's not always like going to different seasides or different areas, but they can be a group activities. First of all, I always wish, or this is the first thought that comes to my mind, if any Pakistani kid I see, or a lady I see, or choti ladki I see, I just tell them at least get onto two wheels. क्योंकि चार व्हील तो बॉडी मूव करती है, दो व्हील मूव्स योर सोल, सो यू नो यू गेट टू दैट पॉइंट। सो यू नो नो मैटर एज मच एज स्ट्रेस्ड यू आर, ऑब्वियसली लाइक द काइंड ऑफ आई मीन टाइम दैट वी आर गोइंग थ्रू इट,
You know, I got on my bike after exactly 11 months and 3 days. All right, so I feel so relaxed, so proud. Oh my God. So first of all, this thing gets connected people. Like, you know, there's no more Nokia. It's out of the market option right now. So get on 2 wheels, get to know people. You know, so this is the brotherhood, this is the sisterhood. So this is where exactly you get to interact a lot of people. You know, it's not like you get educated people on 2 wheels also. Okay. All right. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies Forum, operated by Ladies Forum. They're going to promote mainly Pakistani culture. This is and especially this is going to help to empower women. All right. If you are in Pakistan ever, so there is a thing called Kofwa. Yeah. That's a community written for women to develop. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ओके, बताइए हमें थोड़ा सा कुछ इसके बारे में कि क्या है यहाँ पे जिम के बारे में बताइए आप, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह फिटनेस के भी ओके, और किकबॉक्सिंग, कराटे, बीचोगी। ऑल राइट, नाइस। सो यहाँ पे कोई कंपटीशन वगैरह भी आप लोग करवाते हैं या जस्ट एक बाद में कराएंगे? अच्छा, ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑल राइट, सो आपका भी कराएंगे और कराटे का भी। सो गाइस, दिस इज हिम। यस, यही है। क्या आपका नाम क्या हो तो बताया? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन, तो अगर कोई भी इसमें पाकिस्तान एसोसिएशन में आके अपने बच्चों को अपना खुद कराटे सीखना चाहते हैं, किक बॉक्सिंग करना चाहते हैं, सो कॉन्टेक्ट विद दिस गाय। So this is seminar room which can easily accommodate about 100 people. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब, कैसे हैं आप? हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन है हुए थे घूमने के लिए, थोड़ा देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें घूम के देख के, और प्लीज़ आपको एक मैसेज अगर हमें देना चाहते हैं तो जरूर। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बाइकर्स कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। हैड लास्ट ईयर क्वाइट अ सक्सेसफुल बाइक राइड ऑफ 4 किलोमीटर्स सपोर्टिंग दिस कम्युनिटी कॉज। और आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द बाइकर्स कम्युनिटी इज दैट रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल फैमिली। वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज। आई थिंक इट्स अ ट्रू मॉडल ऑफ टॉलरेंस। एंड आर्ट क्लिनिक मेडिकल सेंटर इज अगेन अ फर्स्ट मॉडल ऑफ टॉलरेंस। इट इज़ ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड आई थिंक वी बोथ बाइकर्स कम्युनिटी एंड PMC स्ट्राइव फॉर द सेम कॉज, एंड इंशाल्लाह विल वॉक अलोंग। डेफिनेटली इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। Do we need to get some membership or something to play the badminton and such activity? Yes, yeah. We have different classes going on. Uh-huh. So you can join the classes. Okay. But the facility is open for all. All right. You can come anytime. Uh-huh. It doesn't really matter which nationality you belong, which ethnic you belong. Okay. You can come up with any background, any religion. This place is for all. There's some cricket coaching classes going on. It's really beautiful. And you can also have a look have a different feeling from here. You're sitting upstairs. Nice. Wow. This is called library now. Yes. You can come, sit, read the book. You can
issue. Guys, these are the such things which are hidden, you know, like no one will show you. Wow. Kashi bhai, hame bataye ki what is the procedure, how we can become a member of this PAD? You can directly contact our office number, okay. And you can show your interest. Mm-hmm. There's a certain form. We just take the basic detail of yourself. Mm-hmm. And there's a certain fees to pay, which is the contribution towards the maintenance. You can also become a member by owning the owner break scheme, mm-hmm. which is like a 200 dirham per month, from starting from 200 dirham mm-hmm. per month, and then 500 dirham per month, 1000 dirham per month. So as much as you can contribute, we try to make it like as flexible as it is possible. Mm-hmm. So that is the contribution going towards the PMC. Okay. And you can become the member as well. Kaisa experience raha aapka Pakistan Association Dubai ka? It was very nice. It was very nice. Want to add something? You've done a good job. I've seen it through. Pichle 3 saal se main ye project ko follow kar raha hu. Mm-hmm. It was very nice to see how it turned out. All right. Very good. I wish them all the best. Inshallah. Hasan bhai, जबरदस्त कहना चाहेंगे लाजम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए दे शुड कम दे शुड सी व्हाट पाकिस्तान एसोसिएशन हैव डन सो फार एंड व्हाट सपोर्ट दे आर गोना गेट फ्रॉम दिस कम्युनिटी इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम एंड द थिंग इज वी रियली नीड टू स्प्रेड आउट द वर्ड एंड मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग ये भी नहीं करते सो वी रियली नीड टू शेयर इट आउट नो डेफिनेटली वी विल स्प्रेड इट लाइक यस So, fire in a jungle, you know. Yes. So let's do it. Let's get together. ये नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ही हो. आप कहीं पे भी जाते हो. Wherever you step on any land, you are Pakistani. So every action counts. So you need to take steps further ahead and do something for your community and for your country. Inshallah. Definitely will do. Project तो 2-3 साल से follow कर रहा हूँ. Associated भी हूँ मैं यहाँ. सबके साथ काम करता रहता हूँ तो ये जो जो टीम ने ये काम किया है दिस इज़ वंडरफुल अचीवमेंट आई मस्ट से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है पूरे हेल्थ में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तमाम कम्युनिटीज़ के लिए ओपन है नॉट फॉर प्रॉफिट और जिस तरह से इसको रिकॉर्ड टाइम में जिस एफर्ट के साथ किया है इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड और हम सबको आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिस तरह भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टाइम से कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस से कर सकते हैं अपने पैसे से कर सकते हैं बिल्कुल अपनी नॉलेज से कर सकते हैं तो वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड एंड दैट्स ट्रू कतरा कतरा समुद्र बिल्कुल सही बात है थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फॉर एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सच ए लॉन्ग वीडियो पर एक मैसेज मेरा ये है कि दिल खोल कर इनकी हेल्प करें जिस तरह भी हेल्प करें कम्युनिटी वाइज पैसों से Or just whatever, help them. That's it. Shukriya. Jazakumullah khair. Thank you very much. Thank you very much. Okay, you guys. So, it was really amazing visit. PAD, Pakistan Association Dubai ka. Aur aisi facility maine aaj tak UAE mein nahi dekhi. Believe me, guys. It's a perfect platform for a youth, for everyone. बिला इम्तियाज़ आ सकता है और डेफिनेटली उसको एंटरटेन किया जाएगा फैसिलिटी वाइज आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए आपको कुछ कोई भी चीज़ चाहिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए सो गाइज स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज आप इस फैसिलिटी को अवेल करें यहाँ पे आएँ देखें बैठें मिलें खेलें जो जो कुछ आप जो सोशल एक्टिविटी आप सोच सकते हैं आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको वो यहाँ पर लाइक यू हैव अ ग्राउंड फैसिलिटी यू हैव अ हॉस्पिटल फैसिलिटी और सिर्फ एक चीज़ डेफिनेटली जब आप आ रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं ठीक है तो आपका भी हक बनता है कि आप इन रिटर्न कुछ दें इनको कुछ दे सकें इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री बट डेफिनेटली आपको यू हैव टू सपोर्ट देम ताकि वो सबको ये सारी चीज़ें जो अफोर्ड नहीं करते उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें सो गाइज़
हैव फन, टेक केयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको जो है वीडियोस वक्त पे मिलते रहें। एंड मज़ीद इंशाल्लाह मैं वीडियोस लेके आऊँगा पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में, हम मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।